कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 103 गांव के लोगन मन ह बीएसएफ कैंप खुले के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हे। कड़का घाट और तुमिर घाट में नवा खुले कैंप ला गांव वाला मन ह अपन देवस्थल बतात हवे और कहत है कि बिना अनुमति के उद्योगपति मन ला लाभ पहुंचाए बर कैंप खोले गए। गांव वाला मन के कहना है कि एकल आगू घलो दुर्गू कोंदल रावा घाट के जगह में लौह अयस्क खदान खोले गए रिसे, लेकिन जेकर से हमन ला कोई फायदा नहीं हुई से बल्कि ग्रामीण मन के शोषण करे जाते। अनिश्चितकालीन धरना में राशन पानी और जरूरी सामान लेके गांव वाला मन बैठे हवे और मन कहा थी कि जब तक कैंप ला नहीं हटाए जही तब तक हमन ऐसने ही बैठे रहेंगे। आप मन ला बता दन कि ग्रामीण मन के अलावा नक्सली मन घलो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कैंप खोले के विरोध करत है। ये लंबे समय से मांग है कि हमारे मांग करते करते आज परेशान हो गए। कल पिछले समय में प्रतापपुर में रैली करवाए और रैली इसलिए करवाए इस क्षेत्र में जब राज्य सरकार कह रही है कि पेशा कानून और आदिवासी के हित में हम कानून व्यवस्था बना रहे हैं और जो संविधान में हम इनको भीख में इस सरकार केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो हम भीख में नहीं मांग रहे हैं उनको। हमारे जो हक और हमारे संविधान में जो है उसी चीज को हम मांग कर रहे हैं। जो पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में और ट्राइबल क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था बनी है उस कानून को पुख्ता और बकायदा उसको संचालित करे और हमारे आदिवासी के जब सरकार आदिवासी के हित में चाहती है तो आदिवासी के हित में वो काम करे।